We are cutting across to a press conference addressed by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Let's listen in. कई लोग कह रहे थे जी एक साल से केजरीवाल कुछ बोला नहीं है, तो हमारे ना बोलने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। ये काम क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में केवल 3 साल पुरानी सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की 15 साल पुरानी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की 10-15 साल पुरानी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, झारखंड में इनकी सरकार है, ढेरों स्टेट्स में इनकी सरकारें हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया। केंद्र में 4 साल पुरानी मोदी जी की सरकार है जिसने कोई काम नहीं किया। दिल्ली में आज सरकारी स्कूलों का जो कायापलट हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, पूरे देश में पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। तो लोग पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल क्यों नहीं बदले, गुजरात के अंदर सरकारी स्कूल क्यों नहीं बदले, छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी स्कूल क्यों नहीं बदले। अगर केजरीवाल सरकार 3 साल के अंदर सरकारी स्कूलों का कायापलट कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी की 20-20 साल पुरानी सरकारें सरकारी स्कूलों को ठीक क्यों नहीं कर पा रही हैं, ये प्रश्न उठने लगे हैं। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बने, पूरी दुनिया के अंदर उनकी चर्चा हो रही है। तो जायज प्रश्न उठ रहे हैं कि 20-20 साल पुरानी भाजपा की सरकारें मोहल्ला क्लिनिक जैसी अच्छी चीजें क्यों नहीं कर पा रही हैं, अपने अपने राज्यों में सरकारी अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर पा रही हैं। 4 साल में केंद्र के अंदर मोदी सरकार ने स्कूलों और अस्पतालों को देश भर में ठीक करने के लिए क्या काम किए। दिल्ली में आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है, सबसे सस्ती बिजली। तो पूरे देश के अंदर जगह जगह लोग पूछ रहे हैं कि 20-20 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बिजली कंपनियों से क्यों मिली हुई हैं, बिजली कंपनियों को ठीक क्यों नहीं करती। अगर केजरीवाल दिल्ली के अंदर बिजली सस्ती कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बिजली सस्ती क्यों नहीं कर पा रही, ये जायज प्रश्न उठ रहे हैं। और बीजेपी इनके सवाल नहीं दे पा रही, इसीलिए बीजेपी ने तय किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को काम करने से रोको। अगर इनको नहीं रोका गया तो प्रश्न और ज्यादा उठने लगेंगे। तरह तरह से हम लोगों के कामों में अड़चन आज डाली जा रही है। आज मैं आपको 2 एजेंसीज के बारे में बताना चाहता हूं, एक सीबीआई एसीबी और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि इनके जरिए किस तरह से दिल्ली सरकार के कामों में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। एंटी करप्शन ब्रांच, आप लोगों को मैंने पेपर दिए हैं, ये जरा पढ़ लीजिएगा। एंटी करप्शन ब्रांच और सीबीआई ने हमारे खिलाफ जो जो केस अभी तक किए हैं, उन केसों की लिस्ट है। रोज हमारे ऊपर एक नया केस कर देते हैं। पिछले हफ्ते मोहल्ला क्लिनिक से रिलेटेड 3 लाख पेज फोटोकॉपी करके लेके गई है सीबीआई, 3 लाख पेज। जो मरीज आए थे, मरीजों को किस मरीज को कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की गई, क्या बीमारी थी, वो भी सारे उठा के ले गए। 3 लाख पेज उठा के लेके गए हैं सीबीआई वाले मोहल्ला क्लिनिक से रिलेटेड। दिल्ली जल बोर्ड से अनाप शनाप, लेफ्ट राइट एंड सेंटर इन्होंने फाइलें उठाना चालू कर दिया है। मैं मोदी जी से और अमित शाह से, सीबीआई इन दोनों को रिपोर्ट करती है, अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है और मोदी जी को रिपोर्ट करती है, उनसे पूछना चाहता हूं, अभी तक आपने जितनी फाइलें उठाई है, जितने केस किए हैं, उनका क्या हुआ? उनको तो कर लो, उनमें तो जेल भेज दो, उनका तो कुछ कर लो। एंटी करप्शन ब्रांच ने जुलाई 2015 में एक केस दर्ज किया था, एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन द सेटिंग अप ऑफ 1031 एंटी करप्शन हेल्पलाइन। 3 साल हो गए इस केस का, क्या हुआ? सितंबर 2015 में प्याज खरीदने के अंदर इन्होंने कहा गड़बड़ी हो गई, उसमें एक केस दर्ज किया था। 3 साल हो गए, उसका क्या हुआ? अक्टूबर 2015 में मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को एडवर्टाइजिंग के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। क्या हुआ? क्यों नहीं गिरफ्तार करते मनीष सिसोदिया को? क्यों नहीं गिरफ्तार करते उनके रिश्तेदारों को जिनको इन्होंने कहा कि ठेके दिए हैं? जून 2016 में बस एग्रीगेटर स्कीम के ऊपर, दिल्ली सरकार की बस एग्रीगेटर स्कीम के ऊपर इन्होंने एफआईआर करी थी, क्या हुआ उस केस का? 2 साल हो गए, क्या हुआ उस केस का? जुलाई 2016 में बीआरटी कॉरिडोर के ऊपर इन्होंने केस दर्ज किया था, 2 साल हो गए, क्या हुआ उस केस का? मई 2017 में
बड़े तामझाम के साथ एलजी साहब अनिल बैजल जी ने कपिल मिश्रा को लंबी लंबी मीटिंग दी और कहा केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए लिए थे। क्यों नहीं गिरफ्तार करते केजरीवाल को? क्यों नहीं गिरफ्तार करते हम लोगों को? अब नए नए केस करते जा रहे हो। और बड़ी मजे की बात है, ये 6 केसेस की आपको लिस्ट दी है। पहला केस सुबोध जैन ने किया जो बीजेपी का वकील है, दूसरा केस विवेक गर्ग ने किया जो बीजेपी का नेता है, तीसरा केस हमें नहीं पता किसने किया, चौथा केस विजेंद्र गुप्ता ने किया जो बीजेपी का नेता है, पांचवा केस ओपी शर्मा ने किया जो बीजेपी का नेता है, छठा केस एलजी साहब ने खुद ने किया। सारे एसीबी के केसेस बीजेपी के नेताओं ने किए हैं। तो बीजेपी के नेताओं के कहने से एंटी करप्शन ब्रांच केवल और केवल दिल्ली सरकार के कामों में रोड अटकाने में लगी हुई है। Well, so there you heard Chief Minister Arvind Kejriwal making a strong allegation that there have been cases filed against his government right from the time that they took over. 7 cases have been listed by the Chief Minister, and he is demanding answers on what happened to those files that were picked up and those cases that were filed against them. And he alleges that the CBI has been picking up more documents from the Jal Board and from the Mohalla Clinic, something that he wants answers from the Modi government.